रहते हैं और हमें लगा कि ये अच्छा मॉडल है, तो हम बाकी भी जो है वो यूआई बनाएंगे और उसमें जो है वो ऐसे एमओयू जो है वो दूसरी गौशालाओं में भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के अंदर ऐसा कोई मॉडल नहीं था और इस करके हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसमें हमें काफी जो है वो सफलता मिली है। और मैं जैसे कि विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूं कि 2022 तक हम सफल होंगे। हम 100% तो मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन 80% से ज्यादा पशुओं को जो है वो हम सड़कों से हटाने में जो है वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग जब दूध गाय देती है तो सर जो देती है तब तो अपने पास रखते हैं, गाय बूढ़ी हो जाती है, गाय दूध देना बंद कर देती है तो सरकार जो है वो सड़क पर छोड़ देते हैं। और वैसे ही अगर बछड़ी पैदा होती है तो घर में रखते हैं, अगर बछड़ा पैदा हो जाता है तो 1 साल के बाद उसको भी सड़क पर छोड़ देते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितने भी बॉर्डर एरिया को छोड़ करके हम बाकी जगह जो है वो इस बेसहारा पशुओं से जो हम मुक्त करेंगे, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर पंजाब का बहुत बड़ी जो है वो आना जाना जो है वो रहता है, जिसके कारण जैसे हमने सोलन जिला को एक बार पूरे खाली कर दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद साथ में हरियाणा से पंजाब से अब जो जानकारी मिली है 200-250 और हो गए हैं, तो हम और शेड बना रहे हैं ताकि उनको भी जो है वो वहाँ उस आश्रय स्थल पर जो है वो रखा। दो बाई इलेक्शन प्रदेश के अंदर हुए थे और दोनों बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। उसके बाद फिर पंचायत चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव आए, कारपोरेशन के चुनाव आए, हमने भारतीय जनता पार्टी ने सभी के सभी जो है वो बहुमत के साथ जो है वो जीते हैं। पिछले 4 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है और जो काम श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए, हम पूरी उम्मीद के साथ जो थे वो जनता के बीच में गए थे कि हम ये बाई इलेक्शन जो है वो जीतेंगे, लेकिन बीच में हमें थोड़ी असफलता मिली है। हम मिल बैठ करके इसका चिंतन भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और 2022 के लिए अभी समय है और हम उन कमियों को दूर करके हम 2022 को फिर से मिशन रिपीट की तरफ बढ़ेंगे। मैं एक पक्ष रख करके नहीं चल सकता हूं, क्योंकि तो सभी जगहों से अलग अलग जो भी फीडबैक मिलेगी, और मैंने कहा कि वो आपको भी हम बताएंगे और उसके ऊपर हम चिंतन भी करेंगे। अगर हमारी बीच में हमारी कमियां रही हैं तो हम उन कमियों को भिटागुंडी जो सोलन जिला में है और एक लुथान जो ज्वाला जी के पास कांगड़ा जिला में आती है, ये दो बड़ी गौशालाएं जो है वो एक हमने कंपनी के साथ एक एमओयू जो है वो उसको साइन किया है, जिसमें वो कमर्शियल बेस पर इसको चलाएंगे कि जिसमें गाय के गोबर से जो है वो खाद तैयार करेंगे, पेस्टिसाइड्स गौमूत्र से तैयार करेंगे और 20% उनको देसी गऊ रखने का जो दूध देने वाली और दूध की जो कमाई होगी उससे जो है वो उस गौशाला को जो है वो रन करेंगे। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो बड़ी ऐसी स्मार्ट गौशालाओं का जो है उनसे बात की है, 1 साल के भीतर वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और तब तक जो है उस सरकार ही उस उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो चलाए। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।